नमस्कार फ्रेंड्स, मैं परमार पंकज टेक्नोलॉजी टूल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ज्ञानकुंज स्मार्ट क्लास के मेन सॉफ्टवेयर साइबरनेटिक्स इंटेलिस्पेस के द्वारा ऑनलाइन 3D कंटेंट किस प्रकार दिखा सकते हैं ये जानेंगे। आप इस एप्लीकेशन में ब्राउजर की मदद से भी ऑनलाइन कंटेंट दिखा सकते हैं। 3D या अन्य ऑनलाइन कंटेंट ब्राउजर की मदद से दिखाने के लिए यहाँ पर जो डेस्कटॉप मोड है उस पर सिंगल टच कीजिए, आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे और यह टूल भी आ जाएगा। इसे आप चाहे वहाँ रख के अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। आपको जो भी कंटेंट चाहिए उसके लिए सर्च मारिए। मैं यहाँ लिखता हूँ स्केलेटन सिस्टम, इनर बॉडी, तो यहाँ पर गूगल का सर्च रिजल्ट आएगा जिसमें स्केलेटन सिस्टम लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, वहाँ जाता हूँ। लोड करने में थोड़ी देर लगेगी। यहाँ पर 2D इंटरेक्टिव इमेज है, आप मेल फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं टच करूंगा तो 3D रोटेट एंड जूम के साथ थोड़ी देर में 3D इमेज लोड होगी। इंटरनेट की स्पीड के अनुसार लोड करेगा। 3D कंटेंट दिखाने के लिए आपको दो मैग्नेटिक पेन की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको सबसे पहले जो आप स्मार्ट बोर्ड शुरू करते हैं तब आपको कैलिब्रेट करना होता है, उसमें आपको दो मैग्नेटिक पेन के साथ कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तभी आप दो पेन एक साथ यहाँ पर चला सकेंगे। आपको यह जो 3D इमेज है इसे जूम करने के लिए दोनों मैग्नेटिक पेन को अलग अलग दिशा में ड्रैग करना है, इसको जूम कर पाएंगे और वहाँ से अलग अलग दिशाओं में विरुद्ध दिशाओं में दूर से जब आप दोनों पेन को ड्रैग करते हुए एक दूसरों की नज़दीक लाओगे तब आप इसे छोटा कर पाओगे। यहाँ पर माउस के स्क्रॉल की मदद से भी यह कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एक मेनू दिया गया है जहाँ पर आप प्लस बटन से इसको जूम कर पाते हैं और माइनस बटन की मदद से आप जूम आउट भी कर सकते हो। और आप एक पेन से राइट टू लेफ्ट घुमाओगे तो इस प्रकार यह आकृति घूमेगी और आप इस स्केलेटन सिस्टम का पिछला हिस्सा देख पाओगे। इसी प्रकार ऊपर नीचे रोटेट करने के लिए सिंगल पेन से ऊपर से नीचे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह ऊपर नीचे भी रोटेट होगा। अगर आपको और नज़दीक से ऊपर नीचे यह कंटेंट देखना है तो यहाँ पर एक पेन मेनू है जिस पर टच करने से इमेज की तरह आप इसे ऊपर नीचे कर पाओगे। मुझे सिर्फ यहाँ छाती की हड्डियाँ ही दिखानी है तो मैं यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ और फिर जूम करके मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। इसे मैं अभी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। फिर आप इस मेनू से 3D व्यू में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से लेफ्ट एंड राइट ड्रैग से आप इसे लेफ्ट राइट रोटेट करा सकते हैं, इस प्रकार ऊपर नीचे रोटेट भी करा सकते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ सिर की ही हड्डियाँ दिखानी हो तो यहाँ पेन मेनू में जाकर इसे और नीचे ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। फिर 3D व्यू में आकर मैं रोटेट करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ के पीछे का भाग, ये सिर की हड्डियाँ ऊपर से नीचे से, इस प्रकार आप 3D कंटेंट को बहुत ही सरलता से
दिखा सकते हैं। सेंटर पर टच करने पर फिर से आकृति सेंटर में आ जाएगी। किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को दिखाने से पहले हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। नॉर्मली 3D कंटेंट को आप इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप या PC की मदद से स्मार्ट बोर्ड पर 3D कंटेंट दिखाने के लिए आप स्केचअप जैसे प्रोग्राम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल पर फ्यूचर में अपने काम का कुछ मिल सकता है तो आप यहाँ के रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले बेल पर क्लिक करने से मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।